हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन हार्ट। इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेनली ब्लड वेसल, कैपिलरीज, वेन एंड आर्टरीज, ठीक है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर एंड ओपन एंड क्लोज सिस्टम के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आफ्टर दैट आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये सबसे पहले हम आपके आपसे बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, हाउ द हार्ट इज, ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे रोल प्ले करता है ब्लड पंप में, ठीक है। तो हार्ट कुछ ऐसे फीस शेप का होता है, कुछ को मैंने कुछ ऐसे ओपन करके बनाया है, ठीक है। तो हार्ट का जो साइज होता है वो मेनली मुट्ठी के साइज का होता है हमारे, ओके। और हार्ट में टोटल चार पार्ट होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल, एट्रियम, वेंट्रिकल। दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में मेनली इम्प्योर ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में भी इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में, जहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होता है, फिर ब्लड को लेके आते हैं पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ओके। एंड लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है दैट इज प्योर ब्लड, बिकॉज ये प्योरीफाई होके आया है, ठीक है। और फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टिक वॉल्व और ऑर्टा। जो ऑर्टा होता है, ठीक है, ऑर्टा जो होता है वो हमारे प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। दिस इज अ जनरल व्यू, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसे। देखो, हमारी पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने का की काम बहुत सारी वेन्स करती हैं, ठीक है। दिस ऑल वेन्स फ्रॉम आवर लोअर बॉडी पार्ट पोर द ब्लड इन टू द इन्फीरियर वेना केवा, मीन्स बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स आके हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा को इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके देती हैं, एंड दैट इन्फीरियर वेना केवा विल पोर द ब्लड इन टू राइट एट्रियम। फिर जो हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है वो हमारे अपर बॉडी पार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको कलेक्ट करेगा एंड विल पोर इट इन टू द राइट एट्रियम। तो अल्टीमेटली हमारे राइट एट्रियम में हमारे अपर बॉडी पार्ट से एंड लोअर बॉडी पार्ट से बहुत सारा प्योर ब्लड आके कलेक्ट होता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड तब जाता है जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक बैरियर होता है, जो जब यहाँ पे ब्लड फिल हो जाता है ज़्यादा और यहाँ पे ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड यहाँ से यहाँ पे प्रेशर के थ्रू वेंट्रिकल में फिल हो जाता है, ठीक है, एट्रियम टू वेंट्रिकल। इन फ्रॉम वेंट्रिकल द ब्लड विल गो इन पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ पे एक पल्मोनरी वॉल्व होता है, यहाँ पे एक ढक्कन बोल सकते हो आप, यहाँ का एक ढक्कन होता है, ये तब ओपन होता है जब वेंट्रिकल फिल हो जाता है और वेंट्रिकल से ब्लड को मूव करना होता है कहाँ पे, लंग्स की तरफ। ये जो दोनों आर्टरीज के ओपन, ये जो आर्टरी देख रहे हो, दिस विल बी ओपन इन टू लंग्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बात कर रहा था, ये मैंने ब्लू कलर का इसलिए बनाया बिकॉज मैं इसमें ये दिखा रही हूँ कि ये मतलब ये एक सिंपल सी बात है कि इसमें इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। मैंने जहाँ पे ब्लू कलर की लाइनिंग्स बनाई है, ये डॉट को मत देखना, ठीक है, जो लाइनिंग्स बनाई है वो मेनली इम्प्योर ब्लड के लिए बनाई है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हमारे लंग्स में, ठीक है। और किसकी हेल्प से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के। जब मैंने आपको आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। तो देखो, इसके बाद जितने भी आर्टरीज के नाम पढ़ोगे आप, दे विल कैरी प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है और ये ब्लड इम्प्योर ब्लड क्यों कैरी करते हैं। और इसका रीज़न यही है कि मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बताया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, मीन्स हार्ट से लेके डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, वाइल जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट के अंदर ले आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना है, लंग्स तक ले जाना है, दैट्स वाई इट्स नेम इज आर्टरी और वेन इसका नाम नहीं है। दो इट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड बट इट्स ब्रिंग्स अवे द ब्लड टूअर फ्रॉम हार्ट, दैट्स वाई इट्स नेम इज आर्टरी, ठीक है। और इसका नाम आर्टरी है, स्टिल इसमें इम्प्योर ब्लड है, ओके। और इम्प्योर ब्लड क्यों है, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से आया हुआ ब्लड है जिसको प्योरीफाई करने के लिए जाना है लंग्स में, ठीक है। तो हम पल्मोनरी आर्टरी को आर्टरी नाम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज हमने पढ़ा है कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, और यहाँ पे भी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना है, दैट्स वाई इट्स नेम इज आर्टरी, दो इट हैव इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना। सारी आर्टरीज के पास प्योर ब्लड होता है, ओनली पल्मोनरी आर्टरी हैव इम्प्योर ब्लड। देखो, ये अपने दोनों आर्टरी जो होगी, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, विल डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस एंड विल गिव ब्लड टू लंग्स, ठीक है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग को ये ब्लड प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो ब्लड है वो लंग्स में प्योरीफाई होता है, जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था
तो उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है वो लंग्स में होता है, CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अब वहाँ पे ब्लड जब प्योरीफाई हो गया, फिर वहाँ से ब्लड लंग्स से लाता कौन है, दैट इज पल्मोनरी वेन। फिर मैंने ये देखो यहाँ से भी है और ये भी है, ये भी पल्मोनरी वेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे वेन है फिर भी मैंने इसको रेड कलर से दिखाया है, क्यों, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड है, ठीक है। और प्योर ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से आया। और मैंने फिर आपको डेफिनेशन में आपको याद दिलाती हूँ, जो वेन्स होती है उनका डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, दे ब्रिंग्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। तो मेनली जो वेन की एक्चुअल डेफिनेशन है उसका मतलब ये है कि वेन्स जो होती है वो ब्लड्स को टूवर्ड हार्ट लेके आती है, और यहाँ पे भी ब्लड को हार्ट के पास लाया जा रहा है, दैट्स वाई इट्स नेम इज वेन, दो इट्स हैव प्योर ब्लड, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जितने भी ब्लड को आप हार्ट के पास लाते हो वो इम्प्योर ब्लड को ही लाते हो प्योर करने के लिए, लेकिन जो ब्लड लंग्स से आता है दैट इज प्योर ब्लड, दैट्स वाई इट्स नेम इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ये हार्ट के पास आ रहा है और इसका इसमें एक्चुअली कैसा है, प्योर ब्लड फेल है, ठीक है। तो एक वेन का मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, दैट इज पल्मोनरी वेन, इट कंटेन्स प्योर ब्लड, वाइल अदर वेन्स कंटेन इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एक एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। आफ्टर दैट देखोगे कि जब यहाँ पे ब्लड फेल होता है दैट इज प्योर ब्लड, तो लेफ्ट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड था, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाई विद द हेल्प ऑफ अ वॉल्व, दैट वॉल्व इज नोन एज मिट्रल वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे एक मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ब्लड ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो aorta को दे दिया जाता है, बिकॉज aorta इज अ मीडियम विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है ना। तो aorta जो होगा दे विल ब्रेक इन टू मेनी ब्रांचेस एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं aortic वॉल्व, aorta है, दैट्स वाई इट्स नेम इज aortic वॉल्व, दैट वॉज अ पल्मोनरी आर्टरी एंड मीन्स पल्मोनरी, दैट्स वाई इट्स नेम वॉज पल्मोनरी वॉल्व। इसको याद करना बहुत ईजी है, जो पल्मोनरी आर्टरी के पास वॉल्व है दैट इज पल्मोनरी वॉल्व, और जो aorta के पास वॉल्व है दैट इज aortic वॉल्व, ठीक है। aortic वॉल्व जो होगा वो ब्लड को लेके जाएगा, दैट ब्लड इज प्योर ब्लड, ठीक है, इसलिए मैंने आपको रेड मार्क करके दिखाया था। और ये जो प्योर ब्लड है ये जो थ्री पार्ट्स आप देख रहे हो ये aorta ब्रांचिंग हो गई aorta की, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स में प्योर ब्लड को, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये आगे जाके नीचे जाके कंटिन्यू होगा, ये भी aorta का ही पार्ट है, ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स को प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिविजन मार्क है दैट इज सेप्टम, यहाँ पे एक मसल होता है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शनिंग आप बोल सकते हो या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता था ना वो देख लो, जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है, देखो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इसमें ब्लड फिलअप होने की कोशिश करेगा फिर, और जब जैसे ही ब्लड फिलअप हो जाता है एक मैक्सिमम प्रेशर के थ्रू, फिर ये रिलैक्स पोजिशन में आता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सिस्टोलिक प्रेशर में जब ब्लड फिलअप होता है, और जब हार्ट रिलैक्स पोजिशन में आता है तो वहां पे डायस्टोलिक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। इसीलिए डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है, और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक चार्ट बना रखा है सर्कुलेटरी पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि ब्लड कैसे कैसे मूव होते हैं। देखो हमारी वेन्स जो होती हैं वो कलेक्ट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और इसको कहाँ पे देंगी, दैट विल बी पोर इनटू राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में विद विच वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा एंड द वॉल्व विल बी पल्मोनरी वॉल्व। आफ्टर इट ब्लड विल बी इन लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होगा, ठीक है, एंड प्योरीफिकेशन होगा यहाँ पे, और प्योरीफिकेशन के बाद लंग्स विल गिव ब्लड टू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स वापस को ब्लड लेके आएंगे हार्ट के पास एंड इट विल बी केप्ट इन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम विल हैव प्योर ब्लड, ओके,
and from left atrium the blood will be pour into left ventricle in metric valve. ठीक है, मेट्रिक वॉल्व की हेल्प से जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड विल बी गो इनटू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑर्टा होगी दैट विल कैरी ब्लड एंड द वॉल्व विल बी ऑर्टिक वॉल्व. ठीक है, और वो ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, और ये कौन ले जाएंगी, ऑर्टा के थ्रू. ऑर्टा फिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू मेनी आर्टरीज. ठीक है, तो ये एक ब्लड सर्कुलेशन की बात होगी कि कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन. वॉट इज डबल सर्कुलेशन? देखो, डबल सर्कुलेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है वॉट इज डबल सर्कुलेशन. ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो दो बार सर्कुलेट होता है. मीन्स एक कंप्लीट सर्कुलेशन और एक और कंप्लीट सर्कुलेशन, दो कंप्लीट सर्कुलेशन होता है ब्लड का. कैसे होता है ये, हमारे पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है हार्ट में. ठीक है, हार्ट से ब्लड आता है फिर से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, दिस इज द फर्स्ट सर्कुलेशन. ठीक है, फिर हमारे हार्ट से ब्लड जाता है लंग में एंड लंग से फिर हार्ट में आता है, दिस इज सेकेंड सर्कुलेशन. एंड दिस इज कंबाइंडली नोन एज डबल सर्कुलेशन. मीन्स ब्लड प्योरिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन्स इन टू साइकिल एंड दिस इज वाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ओके, देखो जो हमारे हमने आपको बताया था कैपिलरीज जो होती है वो मिक्सिंग होती है, वहीं पे एक्सचेंज होता है कैसे इसका. देखो दिस कैपिलरीज, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्योर ब्लड है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे मिक्सिंग है, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है. ब्लड कैपिलरीज अब क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी वेन्स होंगे वो कलेक्ट करेंगे इम्प्योर ब्लड को. ठीक है, और ये दे देंगे वेना केवा को, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा को. ठीक है, वेना केवा विल पोर ब्लड इन टू द हार्ट राइट एट्रियम. ठीक है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, आफ्टर दैट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी विल गिव ब्लड टू दी लंग्स. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड किसको दिया, लंग को दिया. लंग्स में क्या होगा, लंग कैपिलरीज जो होंगी वो CO2 और O2 का एक्सचेंज करेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा लंग कैपिलरीज की हेल्प से. जो एल्वियोलाई था, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होगा गैस का. ठीक है, नाउ दिस ब्लड हैज बीन प्योरिफाइड. ठीक है, अभी तक मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लू कलर मार्क किया था क्योंकि ब्लड इम्प्योर था. नाउ द ब्लड हैज बीन प्योरिफाइड एंड पल्मोनरी वेन विल टेक इट टू द हार्ट. ठीक है, अब ये हार्ट में लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड को पोर कर देंगे लेफ्ट एट्रियम पे. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम विल गिव ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल विल गिव ब्लड टू ऑर्टा एंड ऑर्टा विल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो फिर से ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से देगा, को ब्लड देगा, और फिर एक पोर्शन आएगा कि हमारी जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो इम्प्योर ब्लड जब बना लेंगे, जब उन वो फूड का ऑक्सीडाइजेशन कर लेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में प्रेजेंट हो जाएगा एंड विल गो द साइकिल विद द हेल्प ऑफ फिर वो वेना केवा में पोर हो जाएगा. मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में प्योर और इम्प्योर ब्लड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि प्योर ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इम्प्योर ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा होती है. ठीक है, और हमारी बॉडी में मान लो ये अगर कोई सिस्टम है तो ये सिस्टम को हमने प्योर ब्लड दिया, जैसे इसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, इसके अंदर जो ब्लड मिला था प्योर वो इम्प्योर हो गया, अब इसको फिर से हमें प्योर करने के लिए हार्ट के पास भेजना पड़ेगा. ठीक है, और ये जो मिक्सिंग होता है वो यहीं कैपिलरीज के पास होता है. ठीक है ना, प्योर ब्लड आया था, इसने अपना काम किया, फूड का ब्रेक किया एंड दिस फूड ब्रेक ब्रेक्ड फूड विल बी अब यहाँ पे जो भी ब्लड बचा है या फिर जितने भी यहाँ पे ब्लड बचा है वो कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया एंड दिस विल गो टू हार्ट विद एंड आफ्टर हार्ट इट विल गो टू लंग्स एंड विल बी प्योरीफाइड. ठीक है, और ऐसे ही ब्लड की साइकिल चलती रहती है, सर्कुलेशन होता रहता है हमारी बॉडी में. तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, द फर्स्ट सर्कुलेशन विच अकर्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एंड द सेकेंड सर्कुलेशन विल अकर फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड दीज बोथ अकर साइमल्टेनियसली एंड इन विद द हेल्प ऑफ बोथ द प्रोसेसेस द ब्लड प्योरिफिकेशन अकर्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. तो व्हाट इज हार्ट, हार्ट में ब्लड प्योरीफाई होता है क्या, दिस इज रॉन्ग. हार्ट इज द मीडियम ऑफ पंपिंग द ब्लड, ठीक है, मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लड, बट इट इज नॉट द सेंटर ऑफ प्योरिफिकेशन. द सेंटर ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज लंग्स. ओके,
तो ये याद रखिएगा कि मेनली जो प्योरिफिकेशन का सेंटर होता है वो लंग होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन और पंपिंग का मीडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई डबल सर्कुलेशन तक की। तो मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम था या फिर सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन का, वो यहीं पे एंड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी ऑन एक्सक्रीशन, ओके। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, ठीक है। वी विल सॉल्व योर डाउट, ओके। थैंक यू।